नमस्कार, जय हिंद। मैं आशीष रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्टूडेंट मैजिक्रो में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हिंदुस्तान के पेपर में रात में कटिंग आई है कि आप बिहार दरोगा का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, बहुत ज्यादा खुशखबरी है सबके लिए। जितने का मार्क्स हमारे कटअप बनाए गए कटअप के आसपास में है, एकदम जबरदस्त तैयारी में लगे रहें ताकि आपका बहुत जल्द से एग्जाम भी कंडक्ट करवाने वाला है। पेपर कटिंग अभी दिखाया जाएगा, उससे पहले जान लीजिए कि बिहार दरोगा 2213 का जो रिजल्ट है वो जनवरी लास्ट या फिर फरवरी के पहले सप्ताह में दे दिया जाएगा, प्रकाशित कर दिया जाएगा। और भी क्या घोषणा किया गया है पढ़ने वालों के लिए खुशखबरी है, और चोरवा को क्या है, चोर बेचारा चोरी नहीं कर पाएगा क्योंकि आपका जो फाइनल एग्जाम होने वाला है वो प्योर ये पटना में कंडक्ट करवाया जाएगा। याद रखिएगा 44-45 हज़ार जितने भी रिजल्ट दिए जाएंगे उन सारे विद्यार्थियों को कहाँ बैठना है, पटना में। और पटना में एग्जाम लेता है तो आप समझ ही सकते हैं कि पढ़ने वाले को ज्यादा फायदा है और नहीं पढ़ने वाला कहाँ जाएगा, नीचे। ध्यान रखिएगा बिहार दरोगा 2213 लास्ट, अभी हम पढ़ के सुना देंगे आपका जो कटिंग आया है हिंदुस्तान का। और ये NTPC का भी कल ही आ चुका है, कल नहीं परसों आया है कि 15 जनवरी को इसका रिजल्ट दिया जाएगा और नेक्स्ट मंथ से इसका भी एग्जाम कंडक्ट करवाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो अभी इस प्रकार देख लीजिए पेपर कटिंग बंद। और ये देखिए जैसा कि पेपर कटिंग हिंदुस्तान का है, देखिए हिंदुस्तान ब्यूरो, इसमें दिखाया गया है आपका कि बिहार पुलिस दरोगा सर्जेंट 2213 पदों की परीक्षा जो दिसंबर में हुई थी उसके परीक्षा का रिजल्ट का जो इंतज़ार है ज़्यादा दिन नहीं करना पड़ेगा, और इसी माह के आखिरी में या तो फिर फरवरी के शुरुआत में ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये सब पढ़िए इधर का कि संक्रमण का अगर कोरोना वायरस थोड़ा कम होता है तो मुख्य परीक्षा जल्द ही लिया जाएगा, नहीं तो अदरवाइज कुछ देर हो सकता है, ठीक है। यहाँ और भी एक बात लिखा है, यदि कुछ विलम्ब हुआ तो फरवरी के शुरुआत तक रिजल्ट अवश्य जारी कर दिया जाएगा। इसमें और भी लाइन है कि जैसे प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के बाद जो BPSSC आयोग है दरोगा सार्जेंट के मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाएगा। अगर कोरोना तेज़ी से फैलता है तो मुख्य परीक्षा देर से होगी, अगर हालात सुधर जाते हैं तो परीक्षा समय पर ही आयोजित करवा दिया जाएगा। आगे बोल रहा है कि कुल पदों के मुकाबले में कम से कम 20 गुना जो है वो लिया जाएगा, 20 गुना बुलाया जाएगा और लगभग 44,000 ऐसे में कैंडिडेट मेंस में बैठेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्य परीक्षा सिर्फ और सिर्फ पटना में, ये सभी लोग मनाइए जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं कि एग्ज़ाम आपको पटना में हो तो बेस्ट रहेगा, बहुत बेस्ट होगा, इससे पढ़ने वाले को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और जैसा कि हम देखें इन्फोर्समेंट में भी कि कितना कट ऑफ गया था, देख ही लिए थे पटना में लेने का मतलब, ठीक है। तो धन्यवाद, पढ़िए अच्छे से, मेहनत करिए।